नमस्कार दोस्तों, विद इन एग्री अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम फिर से 10 क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। IBPS SO एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर Day 3, ये ओनली मेंस के लिए इम्पोर्टेंट क्लासेस हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये। चलिए शुरू करते हैं आज के 10 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, इन मुंसर कलर चार्ट U10, ये 10 लिखा हुआ है, U10 रिप्रेजेंट एज, इन मुंसर कलर चार्ट U10 रिप्रेजेंट एज, U क्या करता है, कलर कलर को दर्शाता है। तो जो सॉइल का कलर होता है उसे किसी मुंसर कलर चार्ट के द्वारा हम चेक करते हैं। तो मुंसेल कलर चार्ट में U10 रिप्रेजेंट क्या करता है? ये इफको AGT 2022 यानी अभी जो एग्जाम हुआ है इफको का, उसमें पूछा गया है। तो आंसर, राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर इसका है रेड। जो मुंसेल कलर चार्ट है उसमें U10 रिप्रेजेंट करता है रेड कलर को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्पॉन्ज लाइक अपियरेंस इन मैंगो इज ड्यू टू बोरॉन डेफिशिएंसी, स्पॉन्जी टिश्यू, पाउडी मिल्ड्यू एंड मेलफॉर्मेशन। किसके कारण से स्पॉन्ज लाइक अपियरेंस दिखते हैं मैंगो में? तो बोरॉन डेफिशिएंसी से, स्पॉन्जी टिश्यू से, या पाउडी मिल्ड्यू या मेलफॉर्मेशन। सीधा सीधा लिखा है स्पॉन्ज लाइक अपियरेंस, तो किससे होता होगा? आंसर की बात करें तो सही आंसर होगा स्पॉन्जी टिश्यू। ठीक, आगे बढ़ते हैं। स्पॉन्जी टिश्यू क्या होता है? जब हम मैंगो को काटते हैं तो कभी कभी इस तरह की सड़न सी देखने को मिलती है, या खाली स्पॉन्जी मतलब खाली होता है, खाली रेशेदार रेशेदार देखने को मिलता है। इस टाइप से सड़ा हुआ सा मैंगो दिखता है, वो आम दिखता है, तो ये क्या है? स्पॉन्जी टिश्यू। ठीक, स्पॉन्जी टिश्यू के लक्षण है। ठीक है, इट इज स्पेसिफिक इन अल्फांसो मैंगो, एक इसमें सबसे ज्यादा होता है, इस अल्फांसो मैंगो के लिए स्पेसिफिक है। फ्रूट फ्रॉम आउटसाइड लुक नॉर्मल बट इनसाइड अ पैच ऑफ फ्लैश बिकम स्पॉन्जी। ऊपर से तो क्या है, नॉर्मल फ्रूट दिखेगा, जैसे हम नॉर्मल देखे, लेकिन अंदर से क्या हुआ, स्पॉन्जी लाइक अपियरेंस दिखेगी, पैचेस दिखेंगे और ये इस तरह से सड़ा हुआ होगा अंदर से। येलोइश एंड सोर, दिस डिसऑर्डर हैज ब्रॉट डाउन द एक्सपोर्ट ऑफ दिस वेराइटी इन एक्टिवेशन ऑफ राइपनिंग एंजाइम ड्यू टू हाई टेम्परेचर, कन्वेक्टिव हीट एंड पोस्ट हार्वेस्ट एक्सपोजर टू सनलाइट आर द कॉज। क्या होता है, पोस्ट हार्वेस्ट एक्सपोजर सनलाइट के आगे है, एक्सपोजर के कारण सनलाइट की वजह से या बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर की वजह से स्पॉन्जी लाइक अपीयरेंस बन जाती है किसके, मैंगो के अंदर। ऊपर से नॉर्मल दिखते लेकिन अंदर से सड़ा हुआ सा हो जाता है। यूजेस ऑफ सॉड कल्चर एंड मल्चिंग आर यूजफुल इन रिड्यूसिंग इट्स इंसिडेंस। मैंगो हाइब्रिड रत्ना एंड आर्का पुनीत विच हैव अल्फांसो लाइक कैरेक्टर डू नॉट सफर फ्रॉम दिस मेलेडी। जो जिसमें अल्फांसो जैसे कैरेक्टर होते हैं, जो कौन से, रत्ना और आर्का पुनीत, उसमें यह स्पॉन्जी टिश्यू नहीं होता है, यह ओनली अल्फांसो बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। यूज ऑफ सॉर्ट कल्चर एंड मल्चिंग आर यूजफुल। मल्चिंग मतलब क्या है, किसी चीज को ढक देना, अगर ये हम मैंगो का गुच्छा है उसे कवर कर देंगे तो इससे क्या है, सन का एक्सपोजर, डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़ेगी उस पर, तो क्या होगा, स्पॉन्जी टिश्यू नहीं हो, डिजीज नहीं आएगी मैंगो। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फिर से मैंगो पर एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द आइडियल टेम्परेचर फॉर मैंगो कल्टीवेशन। मैंगो कल्टीवेशन के लिए कौन सा उचित टेम्परेचर है या सही टेम्परेचर माना जाएगा? तो 35 to 40 डिग्री सी, 20 to 25 डिग्री सी, 25 to 30 डिग्री सी, 32 to 35 डिग्री सी, या 24 to 27 डिग्री सी। तो बताइए कौन सा टेम्परेचर मैंगो कल्टीवेशन के लिए बहुत ही आइडियल है और सुइटेबल है। तो बात करें तो सही आंसर की, तो सही आंसर होगा 24 to 27 डिग्री सी, जो है आइडियल माना जाता है मैंगो कल्टीवेशन के लिए। कितना, 24 to 27 डिग्री सी। आगे चलते हैं।
आगे है मैंगो कल्टीवेशन। मैंगो का बॉटेनिकल नेम की बात करें तो उसका बॉटेनिकल नाम होता है मैंजीफेरा इंडिका। ओरिजिन है इंडो बर्मा रीजन। फ्रूट टाइप जो होता है मैंगो का ड्रुप होता है। एडिबल पार्ट को कहते हैं मिसोकार्प। इंडिया रैंक इन मैंगो प्रोडक्शन कौन सी है, इंडिया की रैंक फर्स्ट, इंडिया का रैंक जो है मैंगो प्रोडक्शन में फर्स्ट है। सीलेस वेराइटी मैंगो की सिंधु है। ड्वाफ वेराइटी ऑफ मैंगो आम्रपाली है। ड्वाफ वेराइटी होती है मतलब उसके पेड़ जो पेड़ होते हैं वो छोटे होते हैं, ठीक है। गुड मैंगो वेराइटी हैव आर TSS ऑफ 20%। TSS अच्छी मैंगो वेराइटी में TSS परसेंटेज कितना होता है, 20% होता है। इन्फ्लुएंस ऑफ मैंगो कॉल्ड पैनिकल। मेजर पेस्ट ऑफ मैंगो, मैंगो हॉपर्स जो है मेजर पेस्ट है मैंगो के। मेजर डिजीज ऑफ मैंगो कौन सी है, पाउडी मिल्ड्यू। हाईली क्रॉस पोलिनेटेड इन मैंगो कैरीड बाय हाउस फ्लाई। जो पॉलिनेशन होता है, हाईली क्रॉस पोलिनेशन होता है जो मैंगो में, वो किसके कारण से होता है, हाउस फ्लाई के कारण से, ठीक है। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है प्राइमरी टिलेज कम्प्लीटली अवॉइडेड एंड सेकेंडरी टिलेज रिस्ट्रिक्टेड टू सीड बेड प्रिपरेशन इन द रो जून, ओनली विच टाइप ऑफ टिलेज। प्राइमरी टिलेज को कम्प्लीटली अवॉइड कर दिया, पूरी तरह से छोड़ दिया प्राइमरी टिलेज को, प्राथमिक भू परिष्करण को पूरी तरह से छोड़ दिया। सेकेंडरी टिलेज रिस्ट्रिक्टेड कर दी कि बहुत कम सीड बेड प्रिपरेशन इन द रो जून ओनली, विच टाइप ऑफ टिलेज, एक कौन से टाइप की टिलेज है, ऑन सीजनल टिलेज है, मिनिमम टिलेज है, जीरो टिलेज है, कंजर्वेशनल टिलेज है, स्टबल मल्च टिलेज है। तो राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर क्या होगा, मिनिमम टिलेज। ऑन सीजन टिलेज तो होगा नहीं, क्या कहा है, प्राइमरी टिलेज को पूरी तरह से अवॉइड कर दिया है, कंजर्वेशन टिलेज होगा या स्टबल मल्च या जीरो टिलेज या मिनिमम टिलेज। तो राइट आंसर की बात करते हैं तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर है जीरो टिलेज। ये क्या है, पूरी तरह से जीरो टिलेज क्या करते हैं, प्राइवेट टिलेज ऑपरेशन को पूरी तरह से अवॉइड कर देते हैं। सेकेंडरी टिलेज में रिस्ट्रिक्शन क्या होती है, ओनली सीड बेड प्रिपरेशन। सीड बेड में क्या, ओनली इंसर्ट सीड इन द सीड बेड। ओके नेक्स्ट आगे चलते हैं। कॉन्सेप्ट दिया गया है जीरो टिलेज का, जीरो टिलेज या नो टिलेज, हमें टिलेज करनी ही नहीं है, जीरो टिलेज। इसमें क्या होता है कि एक थोड़ा सा हॉल किया, कट लगाया, उसमें सीड इंसर्ट कर दिया, ठीक है। फादर ऑफ जीरो टिलेज किसे कहा जाता है, जीबी ट्रिपलेट को कहा जाता है। प्राइमरी टिलेज कम्प्लीटली अवॉइडेड एंड सेकेंडरी टिलेज रिस्ट्रिक्टेड टू सीड बेड प्रिपरेशन इन द रो जून ओनली। सेकेंडरी टिलेज कितनी करनी है, ओनली रो जून में करनी है सेकेंडरी टिलेज। कीप्स 50-100% ऑफ रेसिड्यू ऑन सॉइल सरफेस। जो 50-100% सॉइल जो रेसिड्यू, क्रॉप रेसिड्यू होता है वो किस पर होता है, सॉइल सरफेस पर होता है। बिफोर सोइंग हर्बिसाइड पैराक्वाइड ग्लाइफोसेट आर यूज फॉर वीड कंट्रोल टिल प्लांटिंग इज अडॉप्टेड। हर्बिसाइड का मेजर रोल है लास्ट इसी साल 2022 के AFO 2022 में एक क्वेश्चन भी पूछा गया है कि जीरो टिलेज के सक्सेसफुल के पीछे कौन किसका मतलब कौन इंपॉर्टेंट है, हर्बिसाइड है, इंसेक्टिसाइड है या पेस्टिसाइड। तो हर्बिसाइड का मेजर रोल है। बिफोर सोइंग हर्बिसाइड पैराक्वाइड ग्लाइफोसेट का छिड़काव करके हम क्या करते हैं, बीड्स को नष्ट कर देते हैं। उसके बाद क्या है, बीड्स नहीं रहेंगे। मेजर प्रॉब्लम क्या है, कॉम्पिटिशन किससे है, न्यूट्रिशन के लिए बीड्स से। तो बीड नहीं रहेंगे तो फिर आराम से इंसर्ट कर सकते हैं सीड को। मॉइस्चर, जीरो टिलेज का कॉन्सेप्ट मेनली है मॉइस्चर कंजर्वेशन से। मॉइस्चर को कंजर्व करना मेजर मेजर मोटिव क्या है जीरो टिलेज का, मॉइस्चर को कंजर्व करना। ओके बिफोर सोइंग हर्बिसाइड पैराक्वाइड ग्लाइफोसेट आर यूज फॉर वीड कंट्रोल टिल प्लांटिंग इज अडॉप्टेड। टिल प्लांटिंग इसमें अडॉप्ट किया, टिल प्लांटिंग क्या है, टिल प्लांटिंग इट इज द प्रैक्टिस ऑन जीरो टिलेज इंक्लूडिंग फोर ऑपरेशन। इसमें इंक्लूडिंग क्लीन द क्रॉप रो, क्रॉप रो को क्लीन करता है। ओपनिंग ऑफ सॉइल फॉर सीड इंसर्ट, सॉइल सीड इंसर्ट, सीड को इंसर्ट करने के लिए सॉइल को ओपन करता है। प्लेसिंग ऑफ सीड एंड कवरिंग द सीड, एक इसका टिल प्लांटिंग के अंडर आता है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द पार्टिकल साइज फॉर फाइन सैंड टेक्सचर सॉइल अकॉर्डिंग टू USDA। व्हाट इज द पार्टिकल साइज फॉर फाइन सैंड टेक्सचर सॉइल अकॉर्डिंग टू USDA। USDA कौन है, US डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के अनुसार पार्टिकल साइज क्या होता है फाइन सैंड का, लेस देन 0.002 mm, 0.025 to 0.10 mm,
0.002 to 0.05 mm, 0.102 to 0.25 mm या नन ऑफ दीज? सही आंसर बताइए कमेंट में। तो सही आंसर की बात करें तो सही आंसर होगा 0.05 से 0.10 जो है फाइन सैंड का पार्टिकल साइज होता है, 0.05 to 0.10 mm जो है अकॉर्डिंग टू USDA फाइन सैंड का पार्टिकल साइज होता है। नेक्स्ट चलते हैं, अकॉर्डिंग टू USDA पार्टिकल साइज दिया गया है सॉयल का, क्ले का पार्टिकल साइज क्या होता है लेस देन 0.002 mm इन डायामीटर, एंड सिल्ट का पार्टिकल साइज कितना होता है 0.002 to 0.05 mm, वेरी फाइन सैंड का 0.05 to 0.10 mm, एंड फाइन सैंड का 0.10 to 0.25 mm, एंड मीडियम सैंड का 0.25 to 0.50 mm, एंड कोअर सैंड का 0.50 to 1.00 mm, एंड वेरी कोअर सैंड का 1.002 to 2.00 mm होता है। क्वेश्चन में शायद आंसर गलत है, मैं देखता हूँ। हाँ 0.05 to 0.10 है, जबकि पेरीफाइन नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे फाइन सैंड लिखा हुआ है, PPT में गलती हुई है, तो यहाँ पे लिखा है फाइन सैंड, तो फाइन सैंड का सही आंसर बी ना होकर ए होगा, पॉइंट सही आंसर होगा 0.102 to 0.25 mm जो है सही आंसर है, ए रॉन्ग हो जाएगा, तो सॉरी मिस्टेक के लिए। नेक्स्ट आगे चलते हैं, ये तो हुआ अकॉर्डिंग टू USDA, अब चलते हैं अकॉर्डिंग टू IEEE, ये क्या है IEEE, क्या है IEEE, इंडियन सोसाइटी ऑफ सॉयल साइंस, IEEE क्या है इंडियन सोसाइटी ऑफ सॉयल साइंस, IEEE क्या क्या करता है, क्या क्या पार्टिकल साइज होगा, तो क्ले का तो सेम है लेस देन 0.002 mm, सिल्ट का होगा 0.002 mm to 0.02 mm, फाइन सैंड का 0.02 mm to 0.2 mm, एंड कोअर सैंड का 0.22 to 0.0 mm जो है कोअर सैंड का पार्टिकल साइज होता है। ये हो गया अकॉर्डिंग टू IEEE इंडियन सोसाइटी ऑफ सॉयल साइंस। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी वाज स्टार्टेड इन इंडिया ड्यूरिंग, किस दशक में ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी स्टार्ट हुई थी इंडिया में? ए बैंक ऑफ महाराष्ट्र में पूछा गया है 2021 में, एक क्वेश्चन है 2021 में बैंक ऑफ महाराष्ट्र का जो एग्जाम हुआ था ना उसमें पूछा गया है, तो इसका सही आंसर की बात करें तो कौन से 1970s या 1990, 1960s या 1980s या 1950s, तो सही आंसर की बात करें तो 1980 जो है सही आंसर है। इंडिया में ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी 1980 के दशक में स्टार्ट हुई थी। नेक्स्ट चलते हैं, नेम ऑफ द इरिगेशन मेथड विच हैज मोस्ट इफिशियंट वाटर एंड न्यूट्रिएंट डिलीवरी सिस्टम फॉर ग्रोइंग क्रॉप एंड डिलीवर वाटर एंड न्यूट्रिएंट डायरेक्टली टू द प्लांट रूट जून। रूट जून की बात हुई है, इरिगेशन मेथड है, नेम ऑफ द इरिगेशन मेथड विच हैज मोस्ट इफिशियंट वाटर, बहुत ज़्यादा इफिशियंट मेथड है न्यूट्रिएंट डिलीवरी सिस्टम फॉर ग्रोइंग क्रॉप, इससे हम प्लांट को न्यूट्रिएंट्स भी दे सकते हैं, डिलीवर वाटर एंड न्यूट्रिएंट डायरेक्टली टू द प्लांट रूट जून, वो भी रूट जून में। तो रूट जून की बात आई तो आप सब जानते हैं कि आंसर क्या होगा, स्प्रिंकलर इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन, फर्रो इरिगेशन, सर्ज इरिगेशन या नन ऑफ दीज। इसका तो आंसर बहुत मुश्किल नहीं है, आसान है। रूट जून की बात करें तो एक ही तो इरिगेशन होती है रूट जून में, कौन सी? ड्रिप इरिगेशन। तो राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर क्या होगा? ड्रिप इरिगेशन इसका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हाट इज द लैंड होल्डिंग ऑफ मार्जिनल फार्मर, मार्जिनल फार्मर की लैंड होल्डिंग कितनी होती है? 1 से 2 हेक्टेयर, 2 से 4 हेक्टेयर या 0.5 to 1 हेक्टेयर या 4 से 10 हेक्टेयर या 10 हेक्टेयर। तो सही आंसर क्या होगा? ए बी सी डी या ई? ऐसे ही मैं 5 ऑप्शन क्यों डालता हूँ, जनरली स्टेट एग्जाम में 4 ऑप्शन दिए जाते हैं लेकिन IUPS में 5 ऑप्शन दिए जाते हैं,
इसलिए AFO के अकॉर्डिंग मैं पांच ऑप्शन ही आपको दूंगा, वो भी एग्जाम के अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पे सॉल्यूशन दे रहा हूँ। एग्जाम ओरिएंटेड है, जैसा एग्जाम में पूछा जाता है वैसे ही क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ। तो इसका सही आंसर की बात करें तो 1 से 2 हेक्टेयर, 1 से 2 हेक्टेयर तो स्मॉल फार्मर होता है, 2 से 4 हेक्टेयर सेमी मीडियम होता है, 0.5 to 1 हेक्टेयर तो 0.5 to 1 हेक्टेयर कौन होता है, मार्जिनल फार्मर। तो सही आंसर क्या होगा, 0.5 to 1 हेक्टेयर जो है होल्डिंग होती है, लैंड होल्डिंग होती है किसकी, मार्जिन फार्मर की। तो सही आंसर की बात करें तो 0.5 to 1 हेक्टेयर जो है सही आंसर होगा। अब बात करें अब 4 to 10 हेक्टेयर मीडियम और अबव 10 हेक्टेयर लार्ज फार्मर। ओके नेक्स्ट दी गई है क्लासिफिकेशन ऑफ फार्मर अकॉर्डिंग टू लैंड होल्डिंग, क्लास ऑफ फार्मर एंड लैंड होल्डिंग। मार्जिनल फार्मर का कितना होता है, 0.5 to 1 हेक्टेयर, स्मॉल फार्मर 1 से 2 हेक्टेयर, सेमी मीडियम फार्मर 2 से 4 हेक्टेयर, मीडियम फार्मर 4 से 10 हेक्टेयर एंड लार्ज फार्मर अबव 10 हेक्टेयर। आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट डेवलप्ड एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी इन एनिमल, यह क्वेश्चन बैंक ऑफ महाराष्ट्र में पूछा गया क्वेश्चन है, और जो पिछला क्वेश्चन था वो भी बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर में पूछा गया क्वेश्चन है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट डेवलप एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी इन एनिमल, NDRI, IVRI, NDDV, ICR या नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा NDDV ने एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी को डेवलप्ड किया है एनिमल में। ठीक है नेक्स्ट चलते हैं। RM टेस्ट इज रिलेटेड टू विच डेयरी प्रोडक्ट, इसका फुल फॉर्म तो मुझे रिचर्ड ऐसे कुछ है लेकिन मैं आपको बाद में बता दूंगा। RM टेस्ट इज रिलेटेड टू विच डेयरी प्रोडक्ट, सेम क्वेश्चन आया था AFO 2021 में, सेम क्वेश्चन सेम लैंग्वेज थी। RM टेस्ट इज रिलेटेड टू विच डेयरी प्रोडक्ट, तो मिल्क, बटर मिल्क, टोंड मिल्क, घी या बटर से किससे रिलेटेड है। तो राइट आंसर की बात करें तो घी से, RM टेस्ट इज रिलेटेड टू विच डेयरी प्रोडक्ट, घी से रिलेटेड है। अगला प्रश्न है ICMR रिकमेंडेशन फॉर वेजिटेबल ग्राम पर डे इज, ICMR की वेजिटेबल है सब्जियों की रिकमेंडेशन कितनी है, एक स्वस्थ मनुष्य को कितने या एडल्ट को कितने ग्राम सब्जी खानी चाहिए एक दिन में अकॉर्डिंग टू ICMR, ICMR की रिकमेंडेशन। यह क्वेश्चन भी AFO 2021 में पूछा गया है, आपको पिछली वीडियो में ये क्वेश्चन हमारे मिल जाएगा, AFO 2021 का क्वेश्चन पेपर डला हुआ है। कोशिश करूंगा कि आगे 2022 का क्वेश्चन पेपर भी आपके साथ डिस्कस करूं। तो सही आंसर की बात करें तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो ICMR रिकमेंडेड करता है कि 300 ग्राम एक एडल्ट के लिए पर डे 300 ग्राम वेजिटेबल खाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नहीं है इसकी डिटेल है। ICMR रिकमेंडेशन फूड कंपोजिशन एंड ग्राम पर डे, सीरियल एंड मिलेट, ICMR रिकमेंड 360 ग्राम पर डे हमें सीरियल्स एंड मिलेट्स खाने चाहिए, 120 ग्राम पल्सेस, 100 ग्राम ग्रीन लीफ वेजिटेबल, 200 ग्राम अदर वेजिटेबल, 300 ग्राम टोटल वेजिटेबल। टोटल वेजिटेबल पूछा गया था क्वेश्चन में, ग्रीन लीफ वेजिटेबल पूछा जाएगा तो 100 ग्राम, और अदर वेजिटेबल पूछा जाएगा तो 200 ग्राम, और टोटल वेजिटेबल पूछा जाएगा तो 300 ग्राम पर डे, फ्रूट्स 150 ग्राम पर डे, मिल्क 300 ग्राम पर डे, फैट्स एंड ऑयल 25 ग्राम पर डे एंड स्पाइसेस 10 ग्राम पर डे एंड ऑयल सीड एंड नट्स 30 ग्राम पर डे जो है ये ICMR की रिकमेंडेशन है। इसी के साथ हमारे 10 क्वेश्चन खत्म होते हैं और टू बी कंटिन्यू नेक्स्ट डे, और अगले दिन हम फिर मिलते हैं न्यू क्वेश्चन के साथ जो एग्जाम में आए हुए हैं, और साथ ही साथ मैं कोशिश करता हूँ कि उसकी डिटेल्स भी और थोड़ा बहुत सर्च करके भी मैं उसमें ऐड करूँ। मैं सच्ची बताऊँ मैं नोट्स बनाता हूँ, क्वेश्चन जो लास्ट ईयर क्वेश्चन होता है ना उसे एनालिसाइज करता हूँ। कैसे, आप लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन है ना उसके अकॉर्डिंग आप 10 क्वेश्चन बनाइए,
या फिर उसी क्वेश्चन की पूरा डिटेल लिखिए, क्या पता उसी का दूसरा पहलू पूछ लिया जाए क्वेश्चन में। तो आपको क्वेश्चन से ही क्वेश्चन बनते हैं, तो जो लास्ट ईयर क्वेश्चन आए हैं तो उसी का कंटिन्यू कीजिए, जो उसी के पहले क्वेश्चन लिखिए उसके बाद उसका डिस्क्रिप्शन लिखिए। जैसे स्पॉन्जी टिश्यू पूछा गया तो स्पॉन्जी टिश्यू मैंगो की 4 डिजिट और लिखिए, जैसे मैंगो कल्टीवेशन टेम्परेचर पूछा गया तो उसके आगे पूरा मैंगो कल्टीवेशन लिखिए। इससे क्या होता है, याददाश्त बनी रहती है, याद रहता है। जैसे आप लेंथ पढ़ेंगे ना, आप सीधा सारी क्रॉस पढ़ेंगे तो आपको याद नहीं रहेगा, लेकिन आप क्वेश्चन के बाद उसको डिस्क्रिप्शन को पढ़ेंगे तो आपको जरूर याद रहेगा, मुझे मेरी गारंटी है। इसी के साथ मिलते हैं कल न्यू वीडियो के साथ, न्यू क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद, बाय बाय।